प्रदेश में 10 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा से पहले केदारनाथ में तीर्थ पुरोहित और स्थानीय व्यापारियों ने रुद्रप्रयाग के डीएम सौरभ गहरवार पर यात्रा से पहले गलत नीतियां बनाने का आरोप लगाते हुए उन्हें डीएम पद से हटाने के लिए मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। इस पत्र के सामने आने के बाद विपक्ष ने सरकार पर स्थानीय लोगों की अनदेखी का आरोप लगाया। दूसरी ओर भाजपा ने इसे जांच का विषय बता दिया। प्रयास करना चाहिए कि सरकार के साथ संवाद साध के इसका समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि अगर हम वातावरण को नकारात्मक बनाएंगे तो उससे यात्रा पर प्रभाव पड़ेगा और यात्रा प्रभावित होगी तो सबसे ज्यादा नुकसान वहाँ के स्थानीय लोगों को होने वाला है। तो अपने हितों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा विरोध के तरीके बदलने पड़े। डीएम को बताना चाहिए कि आखिर उनके ऊपर किसका दबाव है, किसके दबाव में जो है वो इस तरीके से व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। स्थानीय युवाओं में इसका भारी आक्रोश है और निश्चित तौर पर प्रशासन की जो मनमानी है उसका खामियाजा सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। और अब व्यापारियों ने सामूहिक रूप से जो है प्रदेश शासन को जो है पत्र लिखा है और मुझे लगता है कि व्यापारियों की जो आपत्ति है उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए, उसका जो है समाधान किया जाना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर देर सवेर जो है बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है।